अगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को महा डिस्कॉम का जो साइड है, महावितरण जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे टेंडर आप भर सकते हैं। ये साइड में हम लोगों ने पहला एक वीडियो देखा था जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इनिशियल लेवल पे वो बताया था। उसके बाद अपने को सभी फॉर्म्स वहाँ पे फिलअप करने के लिए थे। फॉर्म फिलअप करते वक्त मुझे एक डिजिटली साइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट को, सैंपल फाइल्स को, और वहां पर उसको अपलोड करना पड़ता है जो SYS फॉर्मेट में रहता है। PDF फाइल में डाउनलोड करते हैं उसको SYS डिजिटली साइन करके SYS फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। जहाँ पे काफी लोगों को प्रॉब्लम आया तो हम आज उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे किस तरीके से आपको SYS फाइल में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वीडियो हमारा शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। यदि ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको मैंने इसके वीडियो, इसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, इसके वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरे पास लॉगिन आईडी, मेरा पासवर्ड है, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन, ये जो साइट है इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत नहीं है, ये क्रोम पे भी चलता है। सबसे अच्छा ये बेस्ट बोलते हैं हम, क्रोम पे ही चलता है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स वगैरह है। हम ये सब भरने के बाद डिजिटली साइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद हमको ये फॉर्म भरना है, तो मैंने यहाँ पे भर के रखा है। ये आपको जो फर्स्ट नाम वगैरह भरना है ये एज पर डिजिटल सिग्नेचर भरना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ई पास, जो भी आपके कंपनी का डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, टोकन होगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है उसके ड्राइवर्स को और फिर उसको लॉग इन करना है। यहाँ पे मुझे पता चलता है ये डिजिटल सिग्नेचर किसके नाम पे है। यहाँ से मुझे वही नाम यहाँ पे डालना है। याद रखिए ये Class 3 का ही डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे Class 2 का डिजिटल सिग्नेचर इसमें यहाँ पे वर्क नहीं करता है, Class 3 का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली सब भर के रखा है। यहाँ से आपको डाउनलोड डिजिटल टेस्ट कॉपी को डाउनलोड करना है। सबसे पहला ये आपका डाउनलोड हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो गया आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, जैसे कि शो ऑल करता हूँ मैं, यहाँ पे सो इन फोल्डर पे चला जाता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अभी मुझे इसको साइन करना है डिजिटली, कोई भी चीज चेंज करके। यहाँ पे मेरे पास एक इसके लिए टूल्स है सिक्योर साइन का। यदि आपको ये सिक्योर साइन नहीं मिलता है तो मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइल को मैं चूज करूंगा, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पे। डाउनलोड में मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है जहाँ पे मेरा सभी डाउनलोड हो रहे फाइल। ये वाला फाइल्स का कॉपी है, इसको ओपन करेंगे और साइन। साइन करते वक्त आपने को पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्टिफिकेट का डिटेल्स, तो मुझे इससे सर्टिफिकेट से साइन करना है। ये पिन मांगा, एक बार इसको हम वेरीफाई भी कर सकते, देख सकते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार। ये कॉपी है, ओपन, वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुका है, मतलब ये प्रॉपर फाइल्स है, मुझे फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। नो, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और ये फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे PDF का ये SYSIG फॉर्मेट में आ चुका है। इसको क्लिक कर, फाइल अटैच सेव, इसको सेव पे क्लिक कर, फाइल रिकॉर्ड सेव। अब ये देखिए नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। डायरेक्ट आप बैंक डिटेल्स पे जा सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स भरना है आपको, फाइनेंस डिटेल्स भरना है और फिर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप ये सभी भर देंगे, कंफर्म करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस हो जाएगा। फिर एक नॉमिनल आपको अमाउंट मांगा जाएगा पेमेंट के लिए। जैसे आप वो पेमेंट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई के लिए चला जाएगा।
ये डिपार्टमेंट वन बाय वन वेरीफाई करेंगे, जैसे यदि आपको सब डॉक्यूमेंट सही लगा तो आपको वेरीफाई करके आपको इसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी दे देंगे, जहाँ से उसके बाद आप टेंडर को इस साइट पे टेंडर भर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा महा डिस्कॉम का है, क्रोम का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोर यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसके आगे टेंडर कैसे भरते हैं इसका भी वीडियो हम आगे के पार्ट में रखे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे टेंडर कैसे भरते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।